हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम जा रहे हैं ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो चलो चलते हैं, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा जाएंगे। गाड़ी में जा रहे हैं, अभी तीन जने और आएंगे। चलो तो दिखाता हूँ कौन कौन आता है। तो भाई ये हंटर भी हमारे साथ आ गया है, तो अभी दो जनों को और लेना है। तो यहाँ पे हम पेट्रोल भरा रहे हैं। हंटर भाई आपने कितने रुपये दिए? मैं 500 दे रहा हूँ अभी। अभी तो 500 दे रहा है, बाकी देर भी 150 सोनू दे देगा, 150 अंटर अपनी तरफ से दे रहा है, बाकी 200 में से बाद में दे दूंगा। कार्ड मेरा नाम लिखा दो ये लो भाई, दो पर बात सीख ना बस खुश भाई। बाकी ये हमारे पास पासिस पड़े हैं ऑटो एक्सपो के, हंटर ही आया था पासिस, उसके पापा को मिल गए थे। बाकी अगर टिकट देखी जाए तो 450 रुपये की है। तो लेट्स सी, चलो ये खुशी भी आ गई हमारे साथ, चलते हैं आप साथ। तो हमारे पास साथ सोनू भाई भी आ चुके हैं। अभी यमुना एक्सप्रेसवे से जाना है? हाँ, तो अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। अंडर रास्ता बताता रहियो। तो अभी हम एक्सप्रेसवे में आ गए, यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ से कितने मिनट का रास्ता होगा अंडर? भाई 10-15 मिनट बोल रहा है यहाँ से अंडर। हाँ, हार्डली आ गया है। अभी किसी को भी दिल्ली या नोएडा से आओगे तो एक्सप्रेस वे तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। पार्किंग के लिए जगह देख रहे हो? पार्किंग कहाँ करनी है? थर्ड किससे पूछना है भाई? लेफ्ट तो पार्किंग है, उसे पूछ लो। हाँ भाई, ये राइट पे जो खड़े ना भाई, पार्किंग के लिए कहाँ होगा? सीधा तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें सीधा जाना, तो ना वी आर गोइंग। तो गाइस हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। ये देखो कितनी पार्किंग आई है, कितनी भीड़ आई है, और ये पीछे से मुझे छोड़ कर आ गया, कितनी भीड़ आई है। सो हम है गेट नंबर 5 पे। दो पासेस हमारे पास हैं, दो इन्होंने अपने अपने बांट लिए, पहले हमें दे दो। एंट्री हो रही है अभी, लेट्स डू इट। अपनी बनाने बोलो, वेटिंग फॉर द एंट्री टू बी डन। अपनी बनाने कोई नहीं, हंटर से हेलो। सो हियर वी आर, हमारी एंट्री तो हो गई, लाइक इनकी अलग थी मेरी अलग थी, एज यूजुअल जो होती है। नाउ लेट्स हेडिंग इनसाइड, लेट्स सी, लेट्स गो। तो पहले हम जा रहे हैं, हमें भी पता कहाँ जा रहे हैं, चलो चलते हैं। इसका भी नहीं पता पहले हम जा कर रहे हैं, बस हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हॉल 12 है यहाँ पे, क्या है पहले हॉल 12 है यहाँ पे, और यहाँ के बगल। अच्छा, हॉल 12 कहना चाह रहा है, हॉल 12 मेरे को लगा हॉल टू हेल कह रहे हो। ओके, ओह बस खड़ी सबसे पहले, तो यहाँ पे तो बस ही खड़ी। वो चलो बस में, बस बहुत सही लग रहे हैं यार देखने में। ये लोग अंदर बैठे हैं, टाटा के ट्रक खड़े हैं, ट्रक टाइप टाटा देसल हुआ। वहाँ पे एस ईवी, एस भाई एस के भी आ गई। वेल यहाँ पे इंजन है, क्या मेरे को पता नहीं था इंडियन जैसे इतने सेक्सी लगते देखने में। एंड द ट्रक, वन मोर ट्रक, सब कलर बहुत प्यारा है। एंड अनदर ट्रक, एंड अनदर ट्रक, एंड अनदर ट्रक। ये टाटा की योथा, एंड पता नहीं कौन सी है यहाँ पे। But to be honest, बहुत अच्छा व्यू है। ये कर्वे अवन्य है, अवन्य है कर पता नहीं। देखो ये टाटा की मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और बहुत बहुत गजब गाड़ी है। मैं अभी सोनू को बोल रहा था टाटा हैरियर आने वाली इलेक्ट्रिक में, तो ये हैरियर ही है शायद, शायद हैरियर है।
मेंटर ये सोनू को बोल ही रहा था हैरी, हाँ देखो हैरी और भाई साहब। तो सॉरी हैरियर ये है और वो दूसरी गाड़ी है, CIA ने भी ऐसी कुछ बोला है। और मेरे और ये सब इलेक्ट्रिक है, दीदी की जैकेट काफी अच्छी लग रही है। तो ये है अवन्या, मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस रेंज होगा 30-35 लाख का होगा टाटा अवन्या का। बाकी देखो सीट इसकी रोटेबल है, ये सीट ऐसे गोल घूम के ऐसे हो सकती है, बड़ी मस्त गाड़ी है। पीछे उसका बाकी MG की भी आ रही है मोहनरी गराज, वो भी इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे ये है कचरे उठाने वाली गाड़ी मेरे ख्याल से। तो ये MG की गाड़ी है MiFa 9, ये इलेक्ट्रिक स्टेशन MG की X पावर, ये स्पोर्ट्स लुक टाइप दे रहा है थोड़ा। यूनिक वन MG के। ये इतनी सी छोटी सी गाड़ी GV70 पता नहीं कौन सी है। तो यहाँ पे एक गेम चल रहा था जिसके हमने अगर सारे आंसर सही दे दिए या 5 में से 4 आंसर सही दे दिए तो बैग मिलेगा छोटा सा। बाकी चलो अब ये खुशी की बाजी आ गई है, CSE नंबर ऑफ आचार्य इन सिटी अक्रॉस इंडिया। दिल्ली NCR स्पॉट पर है। अच्छा नंबर ऑफ आचार्य सी। हाँ सी। नेक्स्ट हाउ मच डिड इन कॉस्ट टू चार्ज योर फेवरेट टाटा ईवी एट होम, क्या हाउ मच 300 डी। वट आर द फैक्ट अबाउट ईवी चार्जिंग इन इंडिया, मोर देन 90% ईवी ओनर प्रेफर टू चार्ज ईवी एट होम, मोस्ट कंज्यूमर चार्ज ईवी मैनी ऑफिस नन ऑफ यस। अभी लास्ट एंड थिंग यू नीड टू चार्ज ईवी ए चार्जर पोर्टेबल टीवी स्पेशलाइज्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बी नहीं और करेक्ट ये स्कैन कर ले QR कोड, स्कैन में बस स्कैनर है ही नहीं, गूगल लेंस से गूगल लेंस कोई नहीं होता है काम पे आता है। तो ये जीत चुकी है ये बैग, बाकी एंटर की बाजी है। तो ये एंटर भी जीत चुका है, प्लीज हम सब जीत चुके हैं, हम सबको ये मिल चुका है, ये साथ में चॉकलेट भी है, ये भी है, वो इन सबको पिंक मिली है, मेरे को डिफरेंट चॉकलेट मिली है, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम थे, 5 क्वेश्चन थे, बस ऊपर नीचे हो रहे थे इसलिए सब जीत चुके हैं। लेकिन 4 out of 5 का आंसर करेक्ट होना चाहिए था, बाकी तो वी ऑल राइट। हो गया सो अब हम हैं हॉल 8 में, ये है गाड़ी बाइक 2 व्हीलर्स है 3 व्हीलर्स है गोदावरी ई ब्लू, मैंने लोगों
वो कह रहे हैं कि ये बैग जो है ना इतना ड्यूरेबल नहीं है, कह रहे हल्का सा मटेरियल, बट द थिंग चॉकलेट इसके अंदर काफी यम्मी थी। ओह ये 90s वाली फील है, लाइक 90s बैग हिपस्टर द गोइंग लाइक रॉक। ये बाइक पार्क कर एक बार यहाँ पे, ये बाइक मेरे ख्याल से ये भी इलेक्ट्रिक लग रही है। ये भैया पता नहीं कितनी देर से घूम रहे होंगे, घूमे ही जा रहे हैं। तो ये मैटर की बाइक है, खड़ी है इलेक्ट्रिक बाइक हैं, हाँ इलेक्ट्रिक बाइक हैं, इलेक्ट्रिक इतने दिन हो रहे हैं। ये उंगले ठीक है, जो बैलेंस वैलेंस अच्छे से भी ना पाते। ये पापा की पंजी काफ़ी अच्छी है। ये यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी है, जाओ साइकिल चला दो। यहाँ पे साइकिल भी है, साइकिल यहाँ पे VR मोड भी है। भैया को पता नहीं क्या दिख रहा होगा, मैं भी नहीं पता। जो भी मैंने आपको बाइक दिखाई थी पीछे, क्रेटोस मेड इन इंडिया यार, तो ये बाइक के मटेरियल यहाँ रखा हुआ है। मेड इन इंडिया बाइक इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे जॉय ई बाइक, यहाँ पे रखी हैं महंगी महंगी बाइकें, पता नहीं कौन कौन सी, समझ नहीं आ रही। ये तो राइड के लिए, माउंटेन राइड के लिए। ये तो भाई राइड के लिए सामान वामान रखो, इसमें चलते बनो। पीछे वाला तो बैठ नहीं सकता, अकेला जाओ, सोलो राइड नहीं है, पीछे वाला बैठ सकता है, लगेंगे तो जाओ। ये भी रख देंगे, अंदर भी बैठ चुका है बाइक में। भाई ने फील बचानी है पहले, साइकिल हैं इलेक्ट्रिक है ये, हाँ सर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक साइकिल है ये, इलेक्ट्रिक साइकिल, बाकी नॉर्मल है। दिस इज वेरी अमेजिंग सर। रोस्ट करने की कोशिश, सॉलिड है, लोगो है बस उसका। हुंडई में आ गए हैं, यहाँ इनकी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। हुंडई यहाँ पे भी ढूंढो कोई चल लगा। यहाँ पे ये इन्होंने हुंडई वालों ने वो बना रखा है मॉडल, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये रहा हेलीकॉप्टर आइकन, यहाँ इनकी रेस होने वाली है मेरे ख्याल से, चारों एक साथ रेस करेंगे नॉर्मल। इसके लिए भी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे गेम खेलने के लिए भी है, बच्चा मजे से गेम खेल रहा है। ये यहाँ पे खड़ी है मॉन्स्टर जैसी, एकदम मस्त। हम आ गए किया के शोरूम में, तुम्हें पता है किया के जब से इंडिया में गाड़ियाँ आई हैं बहुत चली हैं, बहुत ही ज़्यादा। देख रहा है
ये जो सामने गाड़ी देख रहे हो सबसे सबसे ही मस्त थी, सबसे ज़्यादा मस्त, बट मैं उस एंगल से बना नहीं पाया वीडियो दूसरे एंगल से। ये भी अच्छी गाड़ी है बट वो वाली बहुत ही मस्त गाड़ी थी, उसके लिए लाइन लगी हुई थी देखने के लिए बट हम नहीं लगे लाइन में। अभी हम कार क्राफ्ट में आ गए थे, यहाँ पे इन्होंने जितने भी कंप्यूटर की चीज़ें होती ना अंदर की, सीपीयू मोबाइल की चीज़ें, उससे ये गाड़ी बना रखी है। ये पेंट वेंट कर रहा है यहाँ पे, इन्होंने उस चीज़ से गाड़ी बना रखी है। ये एंटर यहाँ पे पेंटिंग करने लगा गाड़ी के ऊपर, फोटो भी खींच ली तेरी। हम इतनी देर से एंटर को ढूंढ रहे हैं और ये भाई साहब जी एंटर जी बस में बैठे हुए हैं, बस का ये कैसे खुलना है, अंदर नहीं आ सकते इसके। अंदर चल रहे हैं, ये अब बाहर आने लगे हैं, हम अंदर आए तो चलो भैया हम डबल डेकर में जा सकते हैं राउंड, चलो वहीं साथ ही चलेंगे फिर। ये डबल डेकर बस है, ऊपर ओपन है, ऊपर ओपन है बस, देख अभी हम बस में बैठे हैं, सोनू भाई खुशी ये रही अंडर। तो अब हम वापस पार्किंग में आ चुके हैं, तो चलो आज का लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम शायद से अपने घर से 1:30-2 बजे निकले थे, 2 बजे निकले थे 2 बजे के बाद, तो अब बच चुके हैं 6:50, घर पहुँचते 8:25 जाएंगे। चलो ठीक है, आज का लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।